हेलो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं ना। अभय सिंह, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? देखो बेटा, हाँ रही है। क्लास 12th में बॉयज में थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि बीच में बोल रहे थे कि केजी सर पढ़ाएंगे बॉयज को, 11th की गर्ल्स, 12th की गर्ल्स को मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसमें थोड़ा फेरबदल हुआ है। पूरी 12th मेरे पास है बॉयज और गर्ल्स की, और 11th सर के पास है। ठीक है, लेकिन ओके इसलिए जो भी मैंने 12th में जो भी गर्ल्स को, आपको नहीं पढ़ाया था, गर् l्स को पढ़ाया मैंने, जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने गर्ल्स को पढ़ाया है, तो वो मैंने गूगल क्लासरूम पर उसके वीडियो लेक्चर वगैरह नोट्स वगैरह डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए, वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आपने देख रखे होंगे वैसे तो। यस सर, देख लिए थे। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, बोर्ड के क्वेश्चंस थे, आइडेंटिफायर्स के थे, एरर के थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब मैंने जो दूसरा चैप्टर शुरू किया था उसके नोट्स आपको मिल गए होंगे कि व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वैसे बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता होगा कि फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और वी कैन से दैट अ लार्जर प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इंटू सब पार्ट्स। एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? फंक्शंस कहलाते हैं। कॉपी पर नोट कर लीजिए फंक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि अगर नोट्स में होगी तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। फंक्शंस आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक मिनट, DID ऑल्सो। ठीक है, और वी कैन से दैट ए लार्जर प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स और सब मॉड्यूल्स। दीज सब पार्ट्स और सब मॉड्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शंस। एक बड़े प्रोग्राम को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सॉल्व करते हैं, तो वो छोटे छोटे जो टुकड़े कहलाते हैं वो फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई काम, आवाज आ रही है मेरी सभी को बेटा? सर आ रही आ है। ठीक रही है, तो जैसे कि मैंने कोई काम दिया किसी को करने को, ठीक है, एक प्रॉब्लम दी सॉल्व करने को, तो वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति ने कई लोगों को डिवाइड कर दी कि इस प्रॉब्लम का ये पार्ट आप करो, ये पार्ट आप करो, ये पार्ट आप करो। ठीक है ना, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम के जो छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक करके, प्रॉब्लम ब्रेक करके दूसरों को सॉल्व करने के लिए दे दी, वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो आपके फंक्शंस कहलाते हैं। मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स आपके क्या कहलाते हैं? आपके फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है फंक्शन से, कि आसानी से हम उसे डिबग कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, अब ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस इन पाइथन दिखाई दे रहा है। ये आपके नोट्स भी मैंने दे दिए गूगल क्लासरूम पर। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है फंक्शन का, डेफिनेशन मैंने आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, क्या है बेटा? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कि आप, जैसे आपने क्या किया, कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन आपने फंक्शन बना लिया, और भविष्य में इन फ्यूचर उस फंक्शन को आपको जरूरत पड़ रही है ना, उसे कॉल करने की, उसे यूज करने की, तो आप उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उसका दोबारा से। यानी पहली बार जब आप फंक्शन लिखेंगे तो उसका कोड लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन दोबारा से उस फंक्शन को आपको यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो उसका कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप उसको कॉल कर लेना, उसकी कोडिंग पूरी कॉल होके आ जाती है, हमें वो फंक्शन दोबारा से नहीं लिखना पड़ता है, बस कॉल करना होता है। ये बोला है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी उस कोड को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। एक बार अगर हमने किसी प्रोग्राम का कोड, फंक्शन का कोड बना लिया, तो भविष्य में अगर हम उस प्रोग्राम की या फंक्शन की दोबारा जरूरत पड़ती है तो उसको हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, उसको लिखना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने उसमें लिखा हुआ नोट्स में, वंस वी टाइप अ फंक्शन दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उसकी कोडिंग को। वी डोंट हैव रिक्वायर राइट कोड अगेन फॉर दिस फंक्शन, हमें बार बार इस कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक मतलब एडवांटेज है। दूसरा है इजी डिबगिंग। मान लो मैंने एक प्रोग्राम को छोटे छोटे डिवाइड फंक्शन की हेल्प से डिवाइड कर दिया है, तो क्या होगा, आसानी से
एरर फाइंड आउट करना आसानी से रहता है, उसे सही करना होता है। ठीक है कि इस पार्ट में ये दिक्कत है, इसको सही कर लो। छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, फिर हर एक पार्ट को किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है आसानी से हम उसे डिवग कर सकते हैं। डिवगिंग का मतलब होता है इजी टू फाइंड आउट एरर्स एंड करेक्ट देम। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या होता है, आप अपनी कॉपी पर लिखिए। देखो कुछ चीज ऐसी होती है कि नोट्स में नहीं टाइप हो रखी होती है, रैंडमली पढ़ाने से, लाइव क्लास पढ़ाने से टीचर्स के माइंड में जो विचार आते हैं, क्वेश्चन सराज होते हैं टीचर्स के दिमाग में, वो बात अलग ही होती है लाइव क्लास की। तो उसमें नोट्स में नहीं होंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेटा। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब होता है जो पहले से, ऐसे फंक्शंस जो पहले से बने बनाए मिलते हैं, डायरेक्ट हम उनको यूज कर लेते हैं। और ऐसे फंक्शन एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस और वी कैन से दैट इनबिल्ट फंक्शंस, एंड अनदर टाइप इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार यूजर बनाता है वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, प्री डिफाइंड या इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड। नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपको हेडर फाइल्स, सॉरी मॉड्यूल्स वगैरह, लाइब्रेरी फाइल्स आपके सामने बताई थी, जैसे POW, पाओ। पाओ की, पाओ किस मॉड्यूल के अंदर आता है? POW पावर, मैथ मॉड्यूल, मैथ, यानी पावर फंक्शन पहले से बना हुआ है, डायरेक्टली हम उसे कॉल कर लेते हैं। SQRT मैथ का है, ठीक है ना। रैंडम फंक्शन रैंडम का है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन जो मैंने आपको कराए थे लाइव क्लास में पहले, बताए थे इंपोर्टेंट है, इनके मॉड्यूल्स वगैरह पूछने को आते हैं किस फाइल के अंदर आते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब वो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाता है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी, एक मिनट। इंपोर्टेंट एक अभी मैं बता रहा हूं। हाँ बेटा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम सी, आवाज आ रही है बेटा सभी को? अगर हम जैसे सी पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, फंक्शन बना, फंक्शन में जो फंक्शन होता है उसके तीन पॉइंट होते हैं। एक होता है फंक्शन की, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। एक होता है फंक्शन कॉल, एक होती है फंक्शन डेफिनेशन। ये तीन चीजें होती हैं अदर लैंग्वेज में, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। लेकिन हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन अवॉइड करते हैं, पाइथन के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं होता है, ठीक है। ये बार बार कौन डिफाइन, ठीक है बेटा। तो यानी पाइथन के अंदर दो चीजें होती हैं, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट वी हैव राइट फंक्शन डेफिनेशन। कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम बना रहे हैं, तो पहले हमें उसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, और उसके बाद जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम में हमें फंक्शन कॉल लिखना पड़ता है। ये चीजें ध्यान रखना बेटा, आपको बात समझ में आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ रही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फंक्शन जब यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम लिखते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद जो भी प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, एक्चुअल एंटर टू नंबर वगैरह ये ऐसे करके, वो एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं,
और उस एक्चुअल प्रोग्राम में हम फंक्शन कॉल लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, तो ये सब आपके पास नोट्स हैं। मैं दूसरा आपको, एक मिनट, दूसरी स्लाइड खोलता हूं मैं, दूसरा पेज इसका, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये था फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है बेटा, फंक्शन डेफिनेशन ध्यान से समझना, क्योंकि फंक्शन लिखते समय दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फंक्शन एक पॉइंट होता है फंक्शन डेफिनेशन, एक होता है फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल एक्चुअल प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, एवरी फंक्शन शुड स्टार्ट विद डेफ कीवर्ड। डीईएफ एक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, कोई भी फंक्शन अगर हम बनाएंगे उसे डीईएफ कीवर्ड पहले उसे लगाएंगे, उसे स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, इज इट क्लियर। सेकेंड वन, एवरी फंक्शन शुड हैव नेम, यानी हर एक जो फंक्शन बनाएंगे उसका नाम आपको देना होगा। हर एक फंक्शन का नाम होता है, और वो फंक्शन का नाम आप कीवर्ड नहीं ले सकते, ठीक है। फंक्शन का नाम आप जो भी लेंगे, एड, सब, जो भी लेंगे, यूजर डिफाइंड आपके अकॉर्डिंग, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा, फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर, कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, और ऑप्शनल भी हो सकता है, पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और जो भी वैल्यू हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर पास करते हैं, वो पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं, कोष्ठक के अंदर करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी ये पॉइंट्स हैं। एवरी फंक्शन नेम विद विदाउट, हाँ, कोई भी फंक्शन उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, वो हमेशा फंक्शन किससे एंड होता है, कॉलन से। जैसे आपके फॉर लूप, इफ, एलिफ, ये सारे लास्ट में कॉलन लगता था, उसके बाद इंडेंटेशन स्टार्ट होता था, ऐसे ही फंक्शन के बाद, फंक्शन के लास्ट में कॉलन लगता है फिर इंडेंटेशन स्टार्ट होता है। हम ध्यान रखना, फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या कुछ रिटर्न नहीं करेगा, खाली एम्प्टी रिटर्न होगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी C++ के अंदर हम फंक्शन होते हैं, आपने तो नहीं पढ़ी, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूँ आपको, सी और C++ के अंदर केवल वैल्यू रिटर्न होती है, सिंगल वैल्यू। लेकिन पाइथन के अंदर जो फंक्शन होते हैं, C++ के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं करते। लेकिन पाइथन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टुपल्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर वैल्यू रिटर्न होती है, कि हाँ, पाइथन का फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, या तो एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे यस, पाइथन की फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। कि कैसे? विद द हेल्प ऑफ टुपल्स। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो गई फंक्शन डेफिनेशन। अब नेक्स्ट, फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल के अंदर भी फंक्शन का नाम आता है, फंक्शन नेम, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर आते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। अब ये एग्जांपल देखो बेटा, अभी मैं आपको, आप सभी को दिखाई दे रहा है एग्जांपल? बेटा एग्जांपल दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, दिख रहा है। चलो, यस सर, दिख रहा है। एक मिनट। इस एग्जांपल को नोट कर लो जरा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने कहा ना, जो फंक्शन डेफिनेशन में कि फंक्शन किससे स्टार्ट होता है बेटा, डेफ से। किससे स्टार्ट होता है? डेफ कीवर्ड से, ठीक है। एक मिनट,
सामने साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये फंक्शन आपका डेफ उससे स्टार्ट होता है, डेफ से, डेफ कीवर्ड है और फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या दे दिया बेटा, एड, और उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर वैल्यू पास कर दी ए कोमा वी, यानी जो फंक्शन है दो वैल्यू को एड करेगा ए कोमा बी को, और लास्ट में क्या लगा दिया बेटा कॉलन, जो फंक्शन डेफिनेशन के रूल्स थे। फिर उसके बाद क्या कर दिया, सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम अलग से वेरिएबल ले लिया है, ए और बी को क्या कर दिया है जोड़ दिया है। फिर मैंने कहा ना फंक्शन कोई कोई वैल्यू, फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए रिटर्न क्या कर दिया सम। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये इंडेंटेशन के अंदर ही लिखा जा रहा है। अब देखिए, अब ये होता है एक्चुअल प्रोग्राम जो हम, अब भाई हमने ए प्लस बी करेंगे ना, ए और बी की वैल्यू भी तो एंटर करेंगे, तो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, ये ए और बी जो लिखेंगे एक्चुअल प्रोग्राम हम इंडेंटेशन से बाहर लिखेंगे। ये जो चीज लिखी है डेफ, इसके अंदर ये सम और रिटर्न तो इंडेंटेशन के मतलब उसके अंदर है, इंडेंटेशन में है, लेकिन ये कहां से है, जो डेफ जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होगा ए और बी की वैल्यू। ठीक है, और ये आर ई एस यही है, बी के नीचे है, आर ई एस जो मैंने लिखा है वो कहाँ है, वो बी के नीचे ही है, आर ई एस मतलब रिजल्ट। अब यहाँ मैंने फंक्शन, ये फंक्शन कॉल कहलाती है बेटा, ध्यान रखना, ये एक्चुअल प्रोग्राम है जो आपका जो लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये एड है या एड लिख दिया, या फंक्शन डेफिनेशन में एक ए कोमा बी है या ए कोमा बी लिख दिया, और लेकिन यहाँ हाँ यहाँ रिजल्ट एक अलग से वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन कॉल होगी, ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एड कॉमा एड ए कॉमा बी, ये फंक्शन कॉल है ना, ये जाएगा, ये कॉल हुआ, कॉल हुआ, कॉल होने के बाद पता चला ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी सम हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू आपको यहां से मिलेंगी, ए इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये यहाँ पर जाके ए प्लस बी हो जाएगा, सम हो जाएगा, और जो रिजल्ट है रिजल्ट की वैल्यू सब हो जाएगी 15 है, तो 15 किसको वापस रिटर्न हो जाएगी, सम वेरिएबल को हो जाएगी रिटर्न। बात समझ में आ रही है ना, तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ बेटा आपको, है ना, प्रोग्राम लाइव। ओके, एक एक मिनट, पाइथन सब लोग अपनी अपनी क्लास स्टार्टिंग में रख लेते हैं, सारे टीचर्स रखवा लेते हैं, कंप्यूटर की लास्ट में रख देते हैं 11 12 दोनों। आए थे क्या, आ रहे होंगे फिर? हाँ बेटा, आपको सब दिखाई दे रहा है सामने? यस। चलो ठीक है, देखिए एक बनाया मैंने def, def कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, def फंक्शन का नाम दे दिया मैंने add, और उसके अंदर जो वैल्यू पास करी मैंने a कॉमा b, और लास्ट में लगाते हैं कॉलन। जैसे कॉलन लगाएंगे इंडेंटेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल टू a प्लस प्लस b b, ठीक है बेटा, और फिर लास्ट में क्या कर दिया हमने, क्या करेंगे, रिटर्न सम, हाँ रिटर्न सम कर देते हैं लास्ट एक मिनट कहाँ गई विंडो, हाँ आर ई टी यू आर एन रिटर्न सम। ठीक है, अब उसके बाद ये अलग इंडेंटेशन से अलग आपको क्या करना होगा, एक्चुअल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा बेटा, a इक्वल्स टू इंट, a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर द फर्स्ट एंटर एंटर द फर्स्ट नंबर सर, क्या बेटा सर, एंटर के बाद द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर डायरेक्ट, यस सर आपने लिखा है, कोई बात नहीं, एंटर द, द लिखा है, द क्या कह रहे हो, ये तो लिखा है एंटर इन इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, क्या बताओ सही है सर, ओके ओके चलो ठीक है, कोई नहीं नो सर, चलो कोई नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर हो गया,
उसके बाद बी बी इक्वल्स टू एंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर एंटर सेकेंड नंबर ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर क्या कॉल करते हैं हम, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल करेंगे तो अलग से एक वेरिएबल ले लो, अलग से वेरिएबल का नाम ले लिया, सपोज आपने क्या ले लिया, रिजल्ट ले लिया, सपोज आर ई एस रिजल्ट इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या था, एड एड, उसके अंदर वेरिएबल क्या थे ए कॉमा बी ठीक है। और फिर क्या लिखना होगा, इसको प्रिंट करना होगा, प्रिंट प्रिंट आर रिजल्ट हाँ आर ई एस इक्वल्स टू आर ई एस ठीक है। अब जरा हम इसको रन करा के देखते हैं, रन कराने से पहले सेव करना पड़ता है, आपको अच्छी तरह जानकारी है। ओके इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ, फंक्शन के नाम से एड एड डॉट पी वाई के नाम से कर देता हूँ, ये सेव हो गया। यस देखिए आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 12, क्या हुआ बी क्वेश्चन पर एंटर सेकंड नंबर क्या दिक्कत आ रही है, एक मिनट एक मिनट इनपुट एंटर सेकंड नंबर क्या दिक्कत आई इसमें, एक मिनट 12:45 हाँ ठीक है, सही आ रहा रिजल्ट 57 आ गया ना, यस सर ठीक है। तो ध्यान रखना, तो सबसे पहले हमें दो नंबर एंटर कर दिए, एंटर एक्चुअल सबसे पहले रन कैसे होगा, देखिए ड्राई रन कैसे होगा, पहले ए की वैल्यू एंटर कर दी 12, फिर बी की वैल्यू एंटर कर दी, ये फंक्शन फिर कॉल है ना, ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद डायरेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ दोनों को सम कर दिया 12 + 45 जो भी था कितना आ गया 57 या प्रिंट करके मतलब सम 57 रिटर्न सम कर देगा या प्रिंट हो जाएगा आर ई एस में, फिर वैल्यू रिटर्न कर देता है वो, बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोग्राम अब आपको आपके लिए होमवर्क है बेटा, देखिए अगर लाइव क्लास देखिए आप माने या ना माने इफेक्ट तो है, मैं आपको लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ ठीक है, मैं अपना काम कर दूंगा, जितने बच्चे ऐड है मेरी क्लास में वो ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे ऐड हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बहुत से लोग प्रेजेंट लगा के अपना गायब हो जाते हैं, वो उनकी ईमानदारी है, लेकिन जो स्कूल में हम पढ़ाते हैं वो तो एक एक बच्चे पर नजर रहती है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ तो लाइव क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी ईमानदारी है, यहाँ आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। अगर लाइव क्लास स्कूल होता तो मैं डायरेक्ट आप चेहरा देख देख के पता कर लेता कि हाँ किसके समझ में आ रहा है किसके नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कौन टाइम पास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो घर जाके आप मतलब आज ही अपने घर पर क्या करना है, ये मैंने ऐड का बताया, आप सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का जो भी प्रोग्राम अभी आप लोगों ने जितने भी आते हैं आप फंक्शन के द्वारा बना के देखना बेटा ठीक है, ऐसे ही सेम केवल सिंटैक्स यही रहेगा लेकिन वैल्यू वगैरह चेंज। डिवीजन और सम प्लस माइनस ये तो सीधे-सीधे मैथ मॉड्यूल भी दे सकते हैं क्या बेटा, हाँ बोलो बेटा सर, जो सम सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें फंक्शन का भी यूज ही नहीं लग रहा है, ये सम लिख रहा हुआ है, जो सम की जगह आप MUL मल्टी डिवाइड SUV ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये सब अलग से वेरिएबल ले सकते हैं वो, बताओ बेटा। हेलो हेलो आवाज आ रही है बेटा मेरी, हेलो अबे बेटा आवाज आ, अब देखिए जरा अब मैं आपको कराता हूँ, हाँ समझ में आ गया सभी को ये, यस सर यस सर, चलो ठीक है अब मैं आपको इससे नेक्स्ट कराता हूँ, 2-3 पेज थे ये 2-3, अब मैं कराता हूँ 4-5 2-3 और 4-5
चलो ठीक है। फिर है फंक्शन के टाइप्स, क्या है बेटा? टाइप्स सॉरी, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, उसके अंदर वैल्यू पास करते। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा देखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अभी तक आपने फंक्शन पढ़ा ना, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनता है ये सीखा, ठीक है। अगर आज इसको कराऊं या कल कराऊं उस टॉपिक को, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, ये थोड़ा अलग। बताओ बेटा सभी लोग, आज ही कराऊं या कल कराऊं? कल कराते ये है ना, कल ही करा दूंगा मैं, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक हो जाएगा अलग। लेकिन आज आपके लिए होमवर्क ये है, आज आपके लिए होमवर्क ये है, जो फंक्शन बनाना सीखा है आपने, ऐड का प्रोग्राम मैंने बनाया है आपको, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस प्रकार के जो प्रोग्राम आपको कराए हैं 11th क्लास में, वो सारे प्रोग्राम आपको बनाने कॉपी पर, ठीक है बेटा। और फिर नोट्स आपके पास सही है, ये पढ़ना, कल मैं इसी टाइम पर 1 बजे पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर ठीक है। ओके सर। चलो, और कोई परेशानी हो तो बताओ। किसी अवे बेटा, बॉयज में किसी को परेशानी है बेटा? नो सर, सबको क्लियर है बेटा? चलो ठीक है बेटा, पढ़ना, मेहनत करो। और देखो सब फेस कर रहे हैं कोरोना की वजह से, पर सारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन हम अपना फिर भी कोशिश कर रहे हैं। एटा विद्या मंदिर में लाइव क्लास चल रही है, ये बहुत है, कहीं नहीं चल रही लाइव क्लास। मथुरा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी लाइव क्लास नहीं चल रही है। सब लोग बोलते हैं आ जाओ हमारी लाइव क्लास करा जाओ, लाइव क्लास करा जाओ, हम अपनी करेंगे तुम्हारी कराएंगे लाइव क्लास। चलो ठीक है, मेहनत करो आप लोग, है ना? ठीक है, नमस्ते बेटा, कल पढ़ेंगे फिर, है ना? ओके, थैंक यू।